अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के टेक्सास में चर्च पर हमला हुआ है। टेक्सास के विल्सन काउंटी में बैप्टिस्ट चर्च के अंदर एक हमलावर ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई और कम से कम 20 लोग घायल हैं। हमलावर को मार गिराया गया है। चर्च में मरने वालों में पादरी की 14 साल की बेटी भी शामिल है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। यहां के जन सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता फ्रीमैन मार्टिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मृतकों में एक गर्भवती महिला के साथ साथ 5 साल के बच्चे से लेकर 72 वर्षीय बुजुर्ग तक शामिल हैं। टेक्सास के एक अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारी सैन एंटोनियो के पूर्वोत्तर में स्थित कॉमेल काउंटी से आया था। उन्होंने बताया, वह यहां आया, गोलीबारी की और फिर उत्तरी हिस्से की ओर गया। ट्रंप बोले, स्थिति पर नजर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पूर्वी एशिया के दौरे पर हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि वो जापान से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, टेक्सास के चर्च में हुए हमले में मरने वालों की आत्मा को भगवान शांति दे। मौके पर एफबीआई और दूसरे अधिकारी पहुंच चुके हैं। मैं जापान में हूं, लेकिन मेरी नज़र इस मामले पर बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।